हेलो फ्रेंड्स, तो आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे प्रिंसेस जॉय और बाओ मिलकर एक शैतान ऑक्टोपस का सामना करते हैं जो सदियों से खोए हुए एक मैजिकल स्टोन को पाना चाहता है। तो चलिए देखते हैं उनकी अमेजिंग एडवेंचर को। तो मूवी बाओ के नरेशन से शुरू होती है जहां वो बताता है कि सबसे पहली आग हेवेनली किचन में ग्रेट नुओ ने जलाई थी और उसी से दुनिया में खाने पीने की सभी डिशेस बनी थी। नुओ ने इसके लिए फाइव फ्लेवर स्टोन का यूज किया था जिससे सभी फूड को अपना एक अलग फ्लेवर मिला, जैसे खट्टा, मीठा, कड़वा, स्पाइसी और नमकीन। हजारों सालों तक सब शांतिपूर्वक चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन कुंग पाओ नाम का एक जायंट चिकन वहां आ गया और फ्लेवर स्टोन को निगलकर सभी फूड आइटम्स पर अत्याचार करने लगा। उसे रोकने की जिम्मेदारी मिली ग्रैंड मास्टर लुचैन को, जिसने चिकन को हराकर एक लेक ऑफ सूप में बदल दिया और फ्लेवर स्टोन को उसकी ओरिजिनल जगह पर रख दिया। तब से काफी सदियां बीत चुकी हैं और कुछ बुरे लोग आज भी उस स्टोन की पावर को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर वो कहाँ छुपा हुआ है। इसके बाद हम अपने मेन कैरेक्टर बाओ को देखते हैं जो मार्शल आर्ट सीखकर एक वॉरियर बनना चाहता है। तभी उसके मास्टर वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अब तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हो और मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। ये कहकर वो उसे सुपर बाओ का टाइटल देते हैं। बाओ भी ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि वो तो अभी और सीखना चाहता था, लेकिन मास्टर कहते हैं कि अब तुम्हें बाहर जाकर बुराइयों से लड़ना होगा क्योंकि हर किसी के अंदर एक हीरो छुपा होता है। वेपन के तौर पर वो उसे एक स्टिक देते हैं जिसका नाम है स्टाफ ऑफ डेस्टिनी और कहते हैं कि इसी से मास्टर चैन ने इस दुनिया को बचाया था। बाओ ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है और खुद से प्रॉमिस करता है कि वो अपने अंदर के हीरो को ढूंढ कर ही रहेगा। इधर बाओ आगे बढ़ता हुआ एक पोर्ट सिटी में आता है जहाँ एक शिप अपने मिशन के लिए कुछ वॉरियर्स ढूंढ रहा है। बाओ भी इसके लिए ऑडिशन देने आता है जहाँ उसका मुकाबला सेलमन नाम के एक सामुराई से होता है, लेकिन बाओ उसकी फाइटिंग स्किल्स का मुकाबला नहीं कर पाता। वो अनाउंसर से खुद को एक और मौका देने को कहता है, लेकिन तभी वहाँ प्रिंसेस चोई आ जाती है और कहती है कि तुम अभी हीरो बनने के बिल्कुल काबिल नहीं हो और मैं तुम्हें अपने मिशन पर नहीं ले जा सकती। फिर वो सेलमन को वॉरियर बनाकर शिप पर ले जाते हैं और बाओ उदास होकर वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी उसके पास ट्वी नाम का सेलर आता है जो काफी देर से उसे नोटिस कर रहा था और वो बाओ से अपना शिप ज्वाइन करने को कहता है। बाओ ये सुनकर बहुत एक्साइटेड होता है कि फाइनली उसे एक मौका मिल ही गया, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो बैटल शिप की बजाय एक कुकिंग शिप पर जाने वाला है जो बैटल शिप को खाना सप्लाई करने का काम करते हैं। ये सुनकर वो जाने से मना कर देता है कि मैं वहाँ अपनी स्किल को वेस्ट नहीं करना चाहता। तब ट्वी उसे समझाता है कि हीरो तो तुम किसी भी काम में बन सकते हो और फिर बैटल शिप के साथ साथ कुकिंग शिप भी तो मिशन का ही एक पार्ट है। बाओ को भी लगता है कि ये शायद समुद्र में जाने का आखिरी मौका है और ये सोचकर वो ट्वी का शिप ज्वाइन करने को तैयार हो जाता है। वहाँ वो कैप्टन कुई और शिप की शेफ रोलियो डोडो से मिलता है जो बहुत ही टेस्टी और मजेदार खाना बनाती हैं और फिर ट्वी उसे कुकिंग शिप का एक टूर कराता है। अगली सुबह वो अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं जहाँ रोलियो डोडो बाओ को एक वॉरियर बैच बनाकर देती हैं। बाओ को शिप पर निगरानी का काम दिया जाता है और तभी उसकी नजर सेलमन पर जाती है जो पानी में कुछ फेंक रहा है जैसे कि अपने निशान छोड़ रहा हो। आगे कुछ टाइम बाद उनका सामना एक तूफान से होता है, लेकिन चोई शिप्स को आगे बढ़ने को बोलती है ताकि टाइम रहते वो अपना मिशन पूरा कर सके, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एक पायरेट शिप उनका पीछा कर रहा है और तूफान का फायदा उठाकर वो उनके करीब आ जाता है। जहाँ पता चलता है कि सेलमन असल में इन पायरेट्स का ही साथी है और उसी ने पायरेट्स को इन शिप तक पहुँचाया है। वो सेलर्स को पकड़कर अपने बॉस लॉर्ड ऑक्टोपस के पास ले आता है और हम देखते हैं कि बाओ छुपकर उन्हें देख रहा है। लॉर्ड ऑक्टोपस जोई के आदमी से एक मैप छीनता है जिसमें उस फाइव फ्लेवर स्टोन की लोकेशन छुपी हुई है और पता चलता है कि जोई खुद भी उस स्टोन को ढूंढने जा रही थी। बाओ ने भी ये सब सुन लिया था और वो हिम्मत करके लॉर्ड ऑक्टोपस पर अटैक करने आता है, लेकिन वो एक ही झटके में उसे दूर उछाल देता है। सेलमन बाओ को बंदी बनाने जाता है और इसी लड़ाई में वो दोनों एक दूसरे शिप पर जा गिरते हैं जिसे लहरें बहाकर वहाँ से दूर ले जाती हैं। बाओ के साथियों को लगता है कि शायद वो डूबकर मारा गया है, लेकिन पता चलता है कि बाओ और सेलमन दोनों सही सलामत हैं और सेलमन ने बाओ को बंदी बना लिया है। फिर वो वहाँ पड़ी लकड़ियों से एक बोट बनाता है और कहता है कि सैमुराई रूल्स के हिसाब से तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और मैं तुम्हें वापस लॉर्ड ऑक्टोपस के पास ले जाऊंगा। फिर वो बोट के थ्रू वहाँ से आगे जाने लगते हैं और एक वर्लपूल में फंस कर एक केव में आ पहुँचते हैं। वहाँ से निकलने पर उन्हें वो शिप नजर आता है, लेकिन तभी मौका देखकर बाओ हथकड़ी की चाबी चुरा लेता है। चाबी के लिए वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और पहाड़ी से फिसलकर एक जंगल में आ गिरते हैं।
दूसरी तरफ हम चोई और उसके साथियों को देखते हैं, जिन्हें ऑक्टोपस ने जेल में डाल दिया है। कैप्टन को यू स्टोन के बारे में पूछता है, जिस पर चोई बताती है कि उस स्टोन से ही खानों को अपना फ्लेवर मिलता है और हजारों सालों में एक ऐसा वोर्टेक्स ओपन होता है जिसके थ्रू कोई भी उस स्टोन तक पहुंच सकता है। फिर चोई उन्हें कुछ प्लान सोचने को कहती है ताकि वो लॉर्ड ऑक्टोपस के इरादों पर पानी फेर सके। यही हम सैल्मन के भाई यामाजोन को देखते हैं, जो अपने भाई को ढूंढने वापस जाना चाहता है, लेकिन जब लॉर्ड ऑक्टोपस उसे ढेर सारी दौलत देने का वादा करता है तो यामाजोन भी लालच में आकर उसकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी ओर हम बाओ और सैल्मन को देखते हैं, जिन पर अचानक कुछ मंकीज अटैक कर देते हैं। वो दोनों किसी तरह बचकर वहाँ से भाग निकलते हैं और इसी चक्कर में एक मंकी बाओ के साथ आ जाता है, जो बहुत कोशिश करने पर भी उसका साथ छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। एक जगह वो दोनों आराम करने रुकते हैं, जहाँ बाओ सैल्मन से कहता है कि तुम्हें ऑक्टोपस जैसे बुरे लोगों का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि सैमुराई तो हमेशा अच्छाई के लिए लड़ते हैं, लेकिन सैल्मन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं, पर सुबह आँख खुलने पर पता चलता है कि उनके आसपास हर तरफ आग लगी हुई है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग की गर्मी से सैल्मन की आंखों की रोशनी चली जाती है, पर बाओ हिम्मत करके किसी तरह उसे वहाँ से बाहर निकाल लेता है। सैल्मन की हालत देखकर उसे बहुत तरस आता है और वो वापस शिप तक पहुंचने में उसकी मदद करने का प्लान करता है। आगे वो दोनों बहुत से एडवेंचर करते हैं और खतरों से लड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ हम चोई को देखते हैं, जिसने ऑक्टोपस को रोकने का प्लान सोच लिया है। वो धोखे से वहाँ खड़े गार्ड को अपने पास बुलाते हैं और उसे चकमा देकर वहाँ से बच निकलते हैं। बाहर उनका सामना उन पायलट से होता है और वो सब मिलकर उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी चोई की नज़र ऑक्टोपस पर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे अपना शिकार बना पाए, यामाजोन बीच में आकर उसे बचा लेता है। चोई और यामाजोन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन जल्दी ही चोई के सभी साथी पकड़े जाते हैं और उसे ना चाहते हुए भी हार माननी पड़ती है। तभी ऑक्टोपस देखता है कि रोली और डोडो वहाँ कहीं नहीं है और चोई बताती है कि वो किचन में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और ये सारा प्लान तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए था। वहीं रोली और डोडो किचन में अपना एक्सप्लोजिव बनाते हैं, जो जल्दी ही शिप पर ब्लास्ट हो जाता है और इसकी आवाज बाओ और सैल्मन तक भी पहुंच जाती है। वो दोनों उसी ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जहां रास्ते में उन्हें वो चिकन सूप वाली लेक दिखाई देती है, जिसे पीने से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। बाओ सैल्मन से इसे ट्राई करने को बोलता है और उसे पीते ही सैल्मन की आंखें ठीक हो जाती हैं। फिर वो वहाँ पड़े बैम्बू से एक बोट तैयार करता है और वो लॉर्ड ऑक्टोपस के शिप की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी एक बार फिर बहस हो जाती है और इसी हलचल के कारण लेक से एक बड़ा सा फ्रॉग बाहर आ जाता है। फ्रॉग उन दोनों को खाने की कोशिश करता है और उससे बचने के चक्कर में बाओ की हथकड़ी निकल जाती है। तभी वो देखता है कि सैल्मन एक जगह फंस गया है और फ्रॉग उस पर अटैक करने वाला है, लेकिन बाओ हिम्मत दिखाकर फ्रॉग को रोकने आ जाता है। फिर वो मिलकर उस फ्रॉग की बहुत पिटाई करते हैं और फ्रॉग भी उनसे डरकर वहाँ से भाग जाता है। सैल्मन बाओ से पूछता है कि हथकड़ी निकलने पर भी तुम क्यों नहीं भागे, और तब बाओ कहता है कि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं और मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकता था। सैल्मन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि उसे भी बाओ को ऑक्टोपस से दूर रखना होगा, और ये सोचकर वो उसे बेहोश कर देता है। फिर वो अकेला ही ऑक्टोपस से मिलने जाता है और कहता है कि बाओ चेन तोड़कर कहीं भाग गया है, पर असल में तो उसने बाओ को एक पेड़ से उल्टा लटका दिया था ताकि उसे ऑक्टोपस से दूर रख सके। इधर लॉर्ड ऑक्टोपस सबको अपने मकसद के बारे में बताता है कि कैसे वो उस 5 फ्लेवर स्टोन की पावर को कंट्रोल करना चाहता है ताकि अपने स्टिंग के फ्लेवर को बदलकर स्वीट बना सके, और साथ ही वो बाकी सारे फूड आइटम्स को सोल्टी बनाना चाहता है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ बाओ आ जाता है, जिसने किसी तरह खुद को आजाद कर लिया था, और कहता है कि मेरे होते तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऑक्टोपस के कहने पर सैल्मन उसे रोकने जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन बाओ उसकी एक नहीं सुनता। लड़ाई जल्दी खत्म करने के लिए यामाजोन बीच में आता है और वो बाओ को मारने ही वाला होता है कि तभी सैल्मन आके उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन यामाजोन गद्दार बोलकर उसे पीछे धकेल देता है। फिर वो बाओ को सबक सिखाने आता है और उसकी स्टिक तोड़कर उसे एक चट्टान में फंसा देता है। सैल्मन को उसकी गद्दारी के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है और वो सब फ्लेवर स्टोन के टेम्पल की ओर निकल जाते हैं। इधर बाओ को मास्टर लूचैन के विजन आते हैं, जो उसे समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर भी एक हीरो छुपा हुआ है, बस तुम्हें उसे पहचान कर बाहर निकालना होगा। वो ये भी कहते हैं कि असली पावर इस स्टिक में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में बसी हुई है और तुम्हें बस खुद पर विश्वास करना होगा। मास्टर की बातें सुनकर बाओ में भी हिम्मत आ जाती है और तभी हम देखते हैं कि कुछ हाथ बाओ को बाहर खींच रहे हैं,
पता चलता है कि ये उसका मंकी फ्रेंड है जो वहाँ अपने दोस्तों को लेकर आया है और वो बाओ की स्टिक को भी दोबारा जोड़ देते हैं। इधर ऑक्टोपस उस जगह तक पहुँच जाता है लेकिन देखता है कि वहाँ तो कोई भी टेम्पल नहीं है। उसे लगता है कि शायद ये मैप एकदम बेकार है और वो मैप के कीपर से असली मैप के बारे में पूछता है। तभी सूरज की किरणों से वो मैप चमकने लगता है और सनलाइट उससे रिफ्लेक्ट होकर सामने पहाड़ों से जा टकराती है जहाँ मैप के जैसा ही एक निशान बना हुआ था। लाइट के टकराते ही वो निशान चमकने लगता है और देखते ही देखते पहाड़ों में एक रास्ता बन जाता है जिसके बीचों बीच वो टेम्पल बना हुआ है। ऑक्टोपस और अमेज़न टेम्पल के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें सामने वो फ्लेवर स्टोन दिखाई देता है और ऑक्टोपस को ये देखकर बहुत खुशी होती है। उधर बाओ मंकीज के साथ शिप पर अटैक कर देता है और अपने सभी दोस्तों को आजाद करा लेता है। जोई उन्हें जल्दी से टेम्पल के अंदर चलने को बोलती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ऑक्टोपस एक एक करके उन फ्लेवर्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो स्टोन की पावर से एक तूफान पैदा करता है जिससे हर तरफ सॉल्ट फैल जाता है और ऑक्टोपस के सभी पायलट सॉल्ट ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। बाओ और उसके साथी उनका मुकाबला करने लगते हैं और तब सैल्मन कहता है कि हमें अंदर जाकर ऑक्टोपस को रोकना होगा। वो दोनों बचते हुए टेंपल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां उनका मुकाबला ऑक्टोपस और अमेज़न से होता है। वहां उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है लेकिन सैल्मन आखिर में अपने भाई को मार डालता है और ये देखकर ऑक्टोपस को बहुत गुस्सा आता है। वो स्टोन की पावर से खुद को एक सॉल्ट मॉन्स्टर में बदल लेता है और उसके टेंटेकल्स उन दोनों को घेर लेते हैं। बाओ कहता है कि वो स्टोन ऑक्टोपस के मुंह के अंदर है और हमें किसी तरह उसे बाहर निकालना होगा। तब सैल्मन अपने चेन्स का यूज करता है और एक स्लिंग शॉट की तरह बाओ को उछालकर ऑक्टोपस के मुंह में फेंक देता है लेकिन वो खुद को इन टेंटिकल से नहीं बचा पाता और ये देखकर बाओ को बहुत दुख होता है। फिर गुस्से में वो ऑक्टोपस की ओर बढ़ता है और तेजी से उस स्टोन को निकालकर बाहर ले आता है। फिर वो स्टोन की पावर को रिस्टोर करता है और उससे निकली एनर्जी ऑक्टोपस को खत्म कर देती है। इसी सोल का तूफान भी खत्म हो जाता है और चोई देखती है कि उनके सभी साथी एकदम सही सलामत हैं। बाओ मलबे में सैल्मन को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे कहीं नजर नहीं आता और तभी चोई देखती है कि ये टेंपल किसी भी वक्त ढहने वाला है। वो जबरदस्ती बाओ को अपने साथ ले जाते हैं और टेंपल के सिंक होने से पहले वहाँ से बाहर निकल आते हैं। जोई बाओ को एक हीरो अनाउंस करती है और कहती है कि अब तुम इस वॉरियर बैच के हकदार बन चुके हो। वो अपनी मदद करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती है और फिर वो वहाँ से वापस जाने लगते हैं। एंड सीन में हम सैल्मन को पानी से बाहर आते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।